A spherical air bubble is embedded in the piece of the glass. For a ray of light passing through the bubble, it behaves like a converging lens, b diverging lens, c mirror, and d thin plane sheet of the glass. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि एक ये ग्लास का पीस है, मान लो ये हम कहते हैं ग्लास का पीस है, ठीक है, ये है ग्लास पीस है, ऐसा कुछ ये ग्लास पीस है, बहुत बढ़िया। और कह रहे हैं इस ग्लास पीस में एक एयर बबल एम्बेडेड है, मतलब इसी के साथ बना दिया गया एयर बबल अंदर है इसमें, ये कुछ ऐसा एयर बबल, ठीक। हमसे कह रहे हैं कि बताओ जो रे ऑफ लाइट इसमें इंसिडेंट होगी उसके लिए ये एयर बबल जो है कैसा बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग की तरह या डाइवर्जिंग लेंस की तरह या फिर ग्लास सीट की तरह क्या करेगा, ऐसा हमको सोचना है। ये एयर बबल है और ये ग्लास की सीट है, ग्लास पीस है, ये क्या है, ग्लास पीस। अब सोचो बच्चों, अगर कोई लाइटें यहाँ इंसिडेंट होती है, ये सेंटर मान लीजिए, तो ऐसे इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी कुछ बन जाएगी, ठीक है। तो अगर ये लाइटरे को क्या करेगा, अपने बेस की तरफ मोड़ देगा इसकी, हैं, तो हम कहेंगे ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वो अपने ऊपर आने वाले लाइटरे को क्या करता है, अपनी प्रिंसिपल एक्सिस पर इकट्ठा कर देता है, तो ये क्या बन जाता है, ये कन्वर्जिंग होता है, ठीक। डाइवर्जिंग लेंस बच्चों क्या होता है, जो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रे को दूर हटा दे प्रिंसिपल एक्सिस से, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसे क्या करता है, दूर हटा देता है, तो हम लोग बोलते हैं ये क्या है, ये डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। ग्लास प्लेट क्या करती है, तो ग्लास प्लेट पर अगर कोई लाइटें सीधी 90 डिग्री से ऐसे पड़ती तो वो सीधी निकल जाती है, मतलब वो बेंडिंग नहीं करता अगर 90 डिग्री कोई लाइट है, तो इसको बोलते हैं क्या है, ग्लास प्लेट। तो हमसे पूछे कैसा बिहेव करेगा, या फिर उन्होंने पूछा मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो मिरर की तरह तो नहीं करेगा क्योंकि रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा, हमको देखना है इनमें से किस तरह वो बिहेव करेगा एयर बबल। तो बच्चों अगर यहाँ लाइटरे आएगी तो क्या होगा, सोचो अगर मान लो एक ही लाइटरे आएगी, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले तो आपको यहाँ नॉर्मल डालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ है बाहर क्या है, डेंसर भाई ग्लास प्लेट है, अंदर एयर है, एयर क्या होती है, रेयरर होती है, ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या होती है, रेयरर। तो लाइटें डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहले यहाँ नॉर्मल तो ड्रा करूँ, अब हमने बता रखा स्फेरिकल सरफेस में नॉर्मल ड्रा करने का सिंपल तरीका होता है कि आप उसके सेंटर से मिला दीजिए, ये नॉर्मल हो जाएगा भाई, कोई भी स्फेयर है, हैं, इसके सेंटर से कोई लाइन खींच दो तो वो नॉर्मली तो बनेगी, उस सरफेस पर 90 डिग्री होगी ना भाई, नॉर्मल क्या होता है, जो लाइटें सरफेस पर 90 डिग्री हो, तो सेंटर से जाने वाली हर लाइन सरफेस पर क्या होती, 90 डिग्री होती है। इसका मतलब जैसे यहाँ नॉर्मल की जरूरत थी तो सेंटर से हमने मिला दिया, तो ये क्या बन गया, नॉर्मल बन गया इसके लिए। अब लाइटें क्या होगी बच्चों, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो सीधा नहीं जाएगी, ऐसे दूर हटेगी नॉर्मल से, देखो अगर पास आना होता तो नीचे की तरफ झुक जाती, दूर जाना है तो ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, देखो ये वाली लाइन नॉर्मल है ये, और नॉर्मल से दूर हटना है तो ऊपर चली गई, हट गई, तो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, फिर से रिफ्रैक्शन होगा भाई, फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल डालो ऐसा, अब लाइटें क्या होगी, रेयरर से कहाँ जा रहे, डेंसर में, जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो हमको पता है किधर बेंड होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, तब किधर बेंड होती है, टूवर्ड्स, मतलब सीधा न जा करके नॉर्मल के पास ऊपर की तरफ और झुक जाएगी, मतलब लाइटें आ ऐसे रही थी चली ऐसे जाएगी, देखो कैसे गई, आ ऐसे रही थी चली ऐसे गई, इसका मतलब ये कैसे हो गई, डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करेगी, अगर इधर से भी एक लाइटें बनाओगे सेम ऐसे तो वो भी कुछ इसी टाइप से ऐसे यहाँ से बाहर निकल जाएगी, तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, एयर बबल का बिहेवियर कैसा होगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह होगा, ठीक है, डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव लेंस की तरह, डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव होता है ना,
यह कैसा होता है, ये डाइवर्जिंग होता है, वो भी डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा। डाइवर्जिंग होता है तो वे डाइवर्जिंग, मतलब जो दिए गए ऑप्शन है उसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो एयर बबल है ग्लास प्लेट के अंदर, ग्लास पीस के अंदर, वो कैसा बिहेव करेगा, वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।